हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड ए ट्रिस्ट विद लॉ सम टाइम इन आवर लाइव्स, दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, आपको याद होगा हम थर्ड सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ते थे कि अगर कोई बंदा जो एमएलए नहीं है, आई एम सॉरी फॉर माय पेट्रियार्कियल मूरिंग्स, इट कैन बी अ गर्ल एज वेल, तो अ नॉन एमएलए व्हेन ही और शी इज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, डज इट वैलिड द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? क्योंकि डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो उसमें हमने हर्षवर्धन वर्मा वर्सेज त्रिभुवन नारायण सिंह का केस पढ़ा था, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी वाले थे, या फिर बाद में हमने एसपी आनंद वर्सेज एचडी देवगौड़ा भी पढ़ा था। अच्छा, इस केस से याद आया दोस्तों कि ये एसपी आनंद वर्सेज एचडी देवगौड़ा केस क्यों है। ये तो मतलब हमने ये पढ़ा है कि इफ इट्स अ केस अगेंस्ट गवर्नमेंट, इट शुड बी यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, कमला मैम ने इसका दो रीज़न दिया था, अगर आपको याद हो आप जरूर बताइएगा। एक रीज़न तो मुझे याद है, वो ये था कि अगर हम एचडी देवगौड़ा की जगह यूनियन ऑफ इंडिया लिखते हैं तो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल एसपी आनंद इज क्वेश्चनिंग दैट दिस पर्सन एचडी देवगौड़ा इज नॉट शुड नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन वो उसको अगर यूनियन ऑफ इंडिया लिख देंगे तो ही इज एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट। तो एक तरीके से वो मतलब ऑल्दो इट वोंट अफेक्ट लीगली, बट एक तरीके से वो गिविंग अप पोजिशन हो जाएगी। दूसरा रीज़न आपको याद होगा, आप जरूर बताइएगा। कमिंग फर्दर, तो लेकिन ये सब जो जजमेंट थी उसमें एक चीज़ जो क्लियर नहीं हुई थी दोस्तों, वो ये था कि जैसे उस उन केसेस में कोर्ट ने ये कहा था कि 6 महीने का ग्रेस पीरियड है अगर कोई बाहर नॉन एमएलए इज अपॉइंटेड अ चीफ मिनिस्टर, तो ही और शी हैज टू बी इलेक्टेड टू द हाउस विद इन 6 मंथ और मस्ट रिजाइन। ये चीज़ क्लियर है, बट द इशू कि क्या ऐसा हो सकता है कि सपोज मैं एमएलए नहीं हूँ, आई एम अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, 5 महीने बाद मैं रिज़ाइन कर दिया, फिर से आई गेट अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, और यही साइकिल चलती रहेगी जब तक ये असेंबली का सेशन पूरा नहीं होता। तो ये दिस वॉज रेसेंट डिग्री, अभी तक ये टच नहीं था। तो इसके लिए एसआर चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब हम एक केस पढ़ेंगे। तो इसमें ऑब्वियसली कोर्ट फर्स्ट एनालाइज इट्स प्रायर जजमेंट, वो जो हरिशरण वर्मा वाले जो जजमेंट थे या एस पी आनंद, और फाइनली कोर्ट ने उसमें यही कहा था कि इफ़ अ पर्सन, इफ एन आउटसाइडर इज अपॉइंटेड अ चीफ मिनिस्टर या एनी मिनिस्टर, तो उसके लिए ग्रेस पीरियड है 6 महीने का, और इट रिफर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, क्योंकि हम टू इन्फर द इंटेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वी कैन रिफर टू द डिबेट्स। तो उसमें एक मोहम्मद ताहिर थे, उन्होंने बोला था कि जब ये डिबेट्स हो रही थी कि यहाँ पे इसके लैंग्वेज में ये होने चाहिए कि फ्रॉम अमंग्स द लेजिस्लेटिव असेंबली, वही लोग अपॉइंट होने चाहिए, बट देन अम्बेडकर वॉज मतलब ही रिफ्यूज, ही आर्ग्यूड अगेंस्ट दिस अमेंडमेंट, ही सेड कि ऐसा हो सकता है एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक अ पर्सन हु इज कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, ही डज एन एक्ट और ही से समथिंग विच ऑफेंड्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इसकी वजह से अदरवाइज कॉम्पिटेंट बंदा, बहुत ही एलिजिबल बंदा, उसको हम डिनाई कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कि फ्रॉम बिकमिंग अ मिनिस्टर जस्ट बिकॉज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी डिडंट फाइंड हिम वर्दी इनफ टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ। हो सकता है वो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हो जाए, तो वी शुड गिव दैट पर्सन द ग्रेस पीरियड ऑफ 6 मंथ, वो चाहे वो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ जाए या इनडायरेक्टली इलेक्ट हो जाए, इफ इनकेस द लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्यसभा। तो इसलिए ये प्रोविजन रहना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई वी हैव 164(4). ऑल्दो अम्बेडकर ने वहाँ पर क्लैरिफाई भी किया था कि ये इट्स नॉट अ राइट ऑफ अ पर्सन और इट्स नॉट अ प्रिविलेज टू अ पर्सन टू एन आउटसाइडर टू अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, इट्स अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, 6 महीने का एक रेस्ट्रिक्शन दे रहा, बाहरी लोग हम अपॉइंट कर सकते हैं लेकिन 6 महीने के भीतर भी, इट्स अ ग्रेस पीरियड, विद इन दिस पीरियड यू नीड टू गेट इलेक्टेड टू द हाउस। तो ये इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उन केसेस में, हर्षवर्धन वर्मा वाले या एचडी देवगौड़ा वाले केसेस में, कहा था कि हाँ बाहरी लोग भी अपॉइंट हो सकते हैं। बट नाउ द कोर्ट सेज कि यस दिस थिंग इज रेसेंट डिग्रा, कि क्या ये कई बार हो सकता है क्या, एंड इट्स अ मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट। तो इसमें अब कोर्ट ये कह रहे हैं, अच्छा ऑल दो लेट मी जस्ट एट दिस, इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा है कि इट्स अ डिफरेंट मैटर कि ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस बंदे को हम अपॉइंट कर रहे हैं, इफ़ ही और शी इज डिसक्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस तो क्या होगा, तो वो ये चीज़ टच नहीं कर रहे हैं। ऑल दो नाउ इन 2023 वी नो, और ये हमने पढ़ा भी था, बी आर कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कोर्ट ने ये कहा था कि इफ़ द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑन दैट डेट, तो अपॉइंट नहीं हो सकता है। लेकिन इस केस तक अभी बी आर कपूर नहीं जजमेंट आई थी, तो उसने बोला वी आर नॉट टचिंग दिस एस्पेक्ट।
नो कमिंग बैक टू दिस केस, तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि अगर अब देखिए दो तीन चीज, अब इट्स ऑल अबाउट गैदरिंग द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, क्योंकि इट हैज नॉट सेड इन एज मेनी वर्ड्स कि एक बार ही हो या कई बार हो। तो कोर्ट ये कह रही है कि अगर हम ये अलाउ कर दें कि 6 महीने के भीतर आप रिजाइन कर दो फिर दोबारा रीअपॉइंटमेंट अलाउ कर दें, तो एक तरीके से तो आप पूरे 5 साल इसी तरह कर सकते हो और विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस। तो दिस गोज अगेन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और अकाउंटेबिलिटी के भी अगेंस्ट जा सकती है, क्योंकि आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ अ हाउस तो मैं अकाउंटेबल कैसे रहूँगा। तो इसलिए दिस कंस्ट्रक्शन इज मतलब इट स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो वही डेमोक्रेसी खत्म हो जा रही है, तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं लिया जा सकता है। दूसरी बात, कोर्ट अगेन रिफर टू द डिबेट्स एंड सेड कि इट्स नॉट अ प्रिविलेज और राइट, इट्स ओनली इट्स जस्ट इट्स अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन कि आपको 6 महीने के भीतर आना ही आना है। और फिर कोर्ट ये कह रही है कि अगर 6 महीना दिया हुआ है यहाँ पे विद इन 6 मंथ्स, तो यू कैनॉट गेम दिस एस्पेक्ट, यू कैनॉट इन अ सर्क्यूटस मैनर आप राउंड अबाउट लेकर ये नहीं कह सकते कि भाई हम 6 महीने के भीतर कर करके कई बार करके हम 5 साल रह लिए, तो ये तो इट इज़ डिफीटिंग द पर्पज ऑफ 6 मंथ। और फाइनली कोर्ट ये कह रही है, जैसा आपने इस केस के फैक्ट में भी आप अच्छा केस के फैक्ट में आपने ये इसमें देखा होगा कि ये जो तेज प्रकाश सिंह थे वो एक मिनिस्टर अपॉइंट हुए पंजाब में 9 सितंबर 1995 को अंडर वन चीफ मिनिस्टर। फिर इन द सेम इन द लाइफ टाइम ऑफ द सेम असेंबली चीफ मिनिस्टर बदल गए और ये जो नए चीफ मिनिस्टर आए उन्होंने इनको दोबारा रीअपॉइंट कर दिया, जो कि 6 महीने अपने प्रायर अपॉइंटमेंट के 6 महीने के भीतर रिजाइन कर चुके थे। तो कोर्ट ये कह रहा है कि 164(4) जो है इट्स नॉट अ प्रिविलेज ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, ये ग्रेस पीरियड उस बंदे को दिया गया है कि आपको 6 महीने के भीतर आप इलेक्ट हो जाइए, अगर नहीं हो पाएंगे तो आप नहीं हो सकते इररिस्पेक्टिव आप किस चीफ मिनिस्टर के अंडर आप कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगले लेजिस्लेटिव असेंबली के टेंडर में आप कर ही सकते हैं, तो कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया। और फाइनली कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये हम अलाउ कर देते हैं तो इट विल गो अगेन द बेसिक टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि तीन और शमशेर सिंह वगैरह केसेस में डेमोक्रेसी, वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें तीन टेनेट्स थे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और तीसरा अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर, तो इनके खिलाफ जाएगी। तो फाइनली कोर्ट रूल कि ये जो 6 मंथ है इट्स जस्ट वंस अ ग्रेस पीरियड गिवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द असेंबली, अगर उसके भीतर आप नहीं इलेक्ट हो पा रहे हैं तो आपको रिजाइन करना ही करना है। व्हाट इज द अदर वे आउट, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि सपोज मैं आज मुझे अपॉइंट किया गया, मैं 6 महीने के भीतर इलेक्ट नहीं हो पाया, तो मुझे 6 महीने के भीतर या तो रिजाइन करना होगा या रिजाइन करना होगा या 6 महीने के भीतर बाद ऑटोमेटिकली मैं मुझे हटा दिया जाएगा। बट इट इज़ इक्वली पॉसिबल कि मैं 6 महीने के बाद कहीं 1 साल बाद इलेक्ट हो जाऊं और फिर नाउ आई बिकम एन MLA क्योंकि मैं इलेक्ट हो गया हूं, तो मैं मिनिस्टर बन ही सकता हूं, वो उस पर कोई रोक नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ, तब तक के लिए लेट्स कंटिन्यू विद अ ट्रस्ट विद लॉ।